हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल टूडे वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिंदी आज हम समझेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब हिंदी में कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स योगदान चंदा अंशदान लेख कॉन्ट्रीब्यूशन हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स कॉन्ट्रीब्यूशन के दो अलग मतलब होते हैं फर्स्टली इट मीन्स वेन यू गिव एनी सपोर्ट और मनी इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स मतलब जब आप दूसरों की मदद करने के लिए कोई समर्थन या पैसा देते हैं यानी आप जब भी किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप उसको अपना कोई समर्थन देते हैं सहयोग देते हैं या किसी भी तरह की सहायता देते हैं या फिर पैसा देते हैं तो उस समर्थन या पैसा देने को हम योगदान कहते हैं या फिर चंदा भी कह सकते हैं जिसको हम इंग्लिश में कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं सेकेंडली इट मीन्स राइटिंग सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए प्रस्तुत एक लेख यानी जब आप किसी भी तरह का लेख यानी आपका कुछ भी लिखा हुआ किसी के बारे में भी लिखा हुआ लेख आप उसको प्रकाशन के लिए समाचार पत्र में देते हैं या किसी पत्रिका में भी देते हैं तो उस लेख को हम कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे ही मेड ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चिल्ड्रंस फंड उन्होंने बाल कोष में बहुत बड़ा योगदान दिया योगदान यानी कि सहायता या संयोग दिया हिज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर आर न्यूज पेपर आई ओपनर हमारे अखबार के लिए उनका लेख आंखें खोलने वाला था लेख यानी कि कुछ भी लिखा हुआ नाउ नाउलेट्री कैप कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब योगदान चंदा अंशदान और लेख होता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट मीनिंग्स कॉन्ट्रीब्यूशन के दो अलग मतलब होते हैं फर्स्टली इट मीन्स वैन यू गिव एनी सपोर्ट और मनी इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स मतलब जब आप दूसरों की मदद करने के लिए कोई समर्थन या पैसा देते हैं यानी कि जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसको आप अपना कोई भी तरह का समर्थन देते हैं या फिर सहयोग देते हैं या पैसा भी दे सकते हैं तो उस समर्थन या पैसा देने को हम योगदान या चंदा कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं एंड सेकेंडली इट मीन्स अ राइटिंग समेटेड फॉर पब्लिकेशन इन अ मतलब समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए प्रस्तुत एक लेख यानी जब आप किसी भी तरह का लेख किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए देते हैं तो उस लेख को भी हम कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं